राज्य सरकार का ये काम है। हम कहते हैं कि अगर पिछली राज्य सरकारों ने नहीं किया, कांग्रेस की तो काफ़ी दिनों से प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन अगर पिछली राज्य सरकारों ने नहीं किया तो 1.5 साल पौने 2 साल होने जा रहा है, क्या इन्होंने इन रोडवेज बस अड्डों को मरम्मत कराने का कार्य किया? नया नया निर्माण कराते इनके मरम्मत का कार्य भी किया हो तो ये बात कहने लायक है। मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा इन लोगों ने अमेठी को एक सौतेले दृष्टिकोण से देखा है, चाहे वो जिस क्षेत्र में रहा हो, तो वही यहाँ के बस अड्डों की हाल है। और हम चाहते हैं कि इसका अच्छे से जो राजीव जी के निर्माण किए हुए बस स्टाफ हैं उसको अच्छे से फिर से जो राज्य सरकार है वो सौतेला व्यवहार अमेठी के साथ ना करे और उनके भवनों का जो जर्जर भवन है उनका निर्माण कराए। नहीं मिल रही। राहुल गांधी तो पिछले 15 वर्षों से अमेठी के सांसद हैं और जिस तरीके का अमेठी का विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अमेठी के सारे बस स्टेशन आज खस्ता हाल की स्थिति में रहे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे वो गौरीगंज बस स्टॉप हो, अमेठी स्टॉप हो, जगदीशपुर का बस अड्डा हो, हर जगह उसका नवीनीकरण चल रहा है। और जगदीशपुर गौरीगंज के लिए तो नए बस अड्डे के लिए शासन की ओर से जमीन का प्रस्ताव भी हो गया जो शहर से थोड़ा हट के बनाए जाएंगे। अमेठी के बस अड्डे के लिए पूरा प्रयास किया गया, नवीनीकरण हो रहा है, उच्चीकरण हो रहा है, नई नई बसें चलाई जा रही हैं। स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव जी का अथक प्रयास है अमेठी के विकास के लिए। निश्चित रूप से परिवहन मंत्रालय अमेठी जनपद के, चाहे वो अमेठी हो, गौरीगंज मुख्यालय हमारा हो, वहाँ पर बस अड्डे के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। जगदीशपुर में भी बस अड्डे के, बड़े बस अड्डे के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजा गया और बहुत जल्द ही एक नया बस अड्डा बनेगा। रही बात अमेठी की, तो अमेठी को आप देख रहे हैं, अमेठी की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया गया, नए नए बिल्डिंगें बनाई गई और अभी भी काम चल रहा है। लगातार प्रयास है भारतीय जनता पार्टी को और स्मृति ईरानी जी का अमेठी बस अड्डे के। गौरीगंज में बस स्टाफ बनाने के लिए जो है माननीय डीएम साहब से जो है अनुरोध किया गया है, कई बार पत्र लिखे गए, जमीन ऐसे ही उपलब्ध हो जाएगी वहाँ पर बन जाएगा। एक की बात चल रही थी गौरीगंज से आगे बढ़ने का, मगर वो भी डिसाइड नहीं हो पाया है। और जो मुसाफिर खाना का जो है, मुसाफिर खाना और जगदीशपुर, ये सुल्तानपुर डिपो के आरंभ कर, वैसे जगदीशपुर तो अभी जल्दी ही बना है और मुसाफिर खाना की बिल्डिंग बताई बताई हो गई और सब अच्छी कंडीशन में हमेशा। और जो जामो का बस स्टेशन है वो जैसे स्तर में है उसको ठीक कराने के लिए कुछ अधिकारियों को लिखा गया है। अगर बस स्टेशन बिल्डिंग सही है, वो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब है, जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वहाँ पे सब सही करा दिया जाएगा, जो भी समस्याएं होगी सही करा देंगे। जिले की किसी भी अन्य बस स्टॉप पे बसें अंदर नहीं जाती हैं, इसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? नहीं नहीं सही, सारे बस स्टेशन टच कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाती। कौन सा बस स्टेशन आपकी समझ में आ रहा है जहाँ नहीं जाती? जगदीशपुर, इनौना, सब जाती है अंदर जाती है। खाना कहीं पर भी नहीं जाती है, यात्रियों ने आरोप लगाए। कोई ऐसी कंप्लेन अभी तक आज हमारे पास तो आई नहीं है।